Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. This is your computer class in which we will learn how to make a grand list of result. So basically this is very helpful for teachers to make a grand list or result sheet of their students. Here we have a school name, class, section mentioned over here, and session. Then in our previous video we have learned how to make a word list. A word list jis tarike se banti thi bilkul usi tarike se aapne name, serial number, marks of students, different subjects ke jo bhi aapke marks the wo aapne enter kar lene hain. Basically ye jo area hai ye total marks ko denote kar raha hai और ये उनके ऑप्टेन मार्क्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक टोटल और सम ऑफ योर ऑप्टेन मार्क्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को, यानी कि एक स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, महा, और उसके सारे ऑप्टेन मार्क्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं उसको सम अप करने के लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है जो कि इजीएस्ट वे है, तो हमने यहाँ पे जाके इसको क्लिक करना है और हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम निकल आएगा। नाउ आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे अपना कर्सर लाके प्लेस किया, अब आप देखेंगे कि जो आपका कर्सर था वो डार्क कलर के प्लस सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब आपने इसको ड्रैग कर लेना है और ऑटोमेटिकली आपके सारे स्टूडेंट्स का सम आ जाएगा जितने भी उनके ऑप्टेन मार्क्स थे। नाउ इसके बाद आपने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज? बेसिकली जो परसेंटेज का फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू obtained marks divided by total marks multiply by 100. So ये formula जो है आपने इधर पे इस cell में insert करना है, like I am doing so, equal to obtained marks, टोटल मार्क्स वाले जो थे आपके, आपने उसमें जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद यू हैव टू प्लेस बैक स्लैश, स्लैश आपने प्लेस कर दी, देन आपके टोटल मार्क्स कितने थे ओवरऑल, 350 आपने इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 100, देन एंटर कर देना है, आपकी परसेंटेज आ गई। नाउ आपने उसी तरीके से ड्रैग कर लेना है ताकि आपके बाकी स्टूडेंट्स की भी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाए। अब ये परसेंटेज जो है ये बहुत बड़ी वैल्यूज में, यानी कि पॉइंट के बाद में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, इसको डिक्रीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, डिक्रीज डेसिमल। आप इस पे एक दफा क्लिक करेंगे तो वो डेसिमल को डिक्रीज करेगा, देन दूसरी दफा करेंगे वो एक और डेसिमल को डिक्रीज कर देगा, देन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो इट इज सुटेबल फॉर अस that we have only one value after point like that, तो ये बहुत easy रहता है, हम इसको कर लेंगे। otherwise अगर हमें approximately चाहिए होती है तब भी हम उसको overall यूं कर सकते हैं। अगर हम increase करना चाहते हैं अपने decimal को तो इसी के साथ हमारे पास एक और option है, increase decimal, उसको आप click करें अगर हमने grades find out करनी है। For this purpose, we have to define the criteria of grading. Grading का हमारा criteria क्या है? जो मैंने यहाँ पे अपना grading का criteria define किया है, वो basically क्या है? A plus के लिए मैंने 100% marks, 90 to 100% होने चाहिए, वो select किए हैं, ठीक है? और grade A के लिए B के लिए
72, 80. सी के लिए 60 to 70% मार्क्स, डी के लिए 50 to 40% मार्क्स, सॉरी 50 to 60% मार्क्स, देन ई के लिए 40 to 50% मार्क्स एंड बिलो 40. बिलो 40 जो होंगे वो आपके फेल कंसिडर होंगे. सो उसके लिए हमें फॉर्मूला जो लगाना है बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ यूज किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वल टू का साइन डालना है, देन आपका ये जो फॉर्मूला है इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं. आपने इफ कीवर्ड यूज करना है, पैरेंथेसिस ओपन करने हैं, देन आपने उस सेल जिसमें आपका परसेंटेज है आपने उसको क्लिक करना है. ऑटोमेटिकली वो आपको ब्लू कलर में उस सेल का वैल्यू दे देगा या उस सेल का जो नंबर है वो दे देगा, जैसा कि 8 है. देन उसके बाद आपने अपनी कंडीशन लगानी है कि K8 is greater than equal to 90. अगर वो होगा तो वो A plus grade देगा हमें, नहीं तो आपने अब जो ये ग्रेड है आपने मार्कोव कोटेशन में एंटर करना है, देन आपने कोमा डालना है. फिर आपने एक और इफ की कंडीशन लगानी है, इफ फिर देन कंडीशन आ जाएगी, और उसकी जो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो ग्रेड होगा वो ए आ जाएगा. देन उसके बाद इसी तरह आपने फर्दर देनी है, और एट द एंड आपने 6 पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, क्योंकि हमारे पास 6 ही पैरेंथेसिस ओपन हुई है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जितनी पैरेंथेसिस ओपन होती हैं उसको क्लोज करना बहुत जरूरी होता है. After it, आपने एंटर प्रेस करना है. जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड्स आ जाएंगे और आप उसको ड्रैग कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका जो वर्क है वो बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएगा. इफ यू लाइक माय वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.